सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। अजीब दुनिया का दस्तूर है, दौलत चाहे कितनी भी बेईमानी से घर आए पर उसकी पहरेदारी के लिए सबको ईमानदार सेवक चाहिए। सार्थक और प्रभावी उपदेश सिर्फ वह है जो वाणी से नहीं अपने आचरण से प्रस्तुत किया जाता है। आज का पंचांग 3 जनवरी 2021 दिन रविवार, पौष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि सुबह 8:22 तक रहेगी। इसके उपरांत पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मघ नामक नक्षत्र शाम 7:56 तक रहेगी। इसके उपरांत फाल्गुनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 4:30 से 5:50 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:10 से 12:52 तक रहेगा। आज चंद्रमा सिंह राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य धनु राशि पर रहेंगी। कर्क राशि। आज आपके मन में कुछ ऐसा चल रहा है जिससे आप परेशानी महसूस कर रहे हैं। आप पिछले कुछ बातों के बारे में सोचकर परेशान हैं। अपने किसी करीबी दोस्त या संबंधी के साथ अपनी भावनाएं बांटिए, आपको काफी अच्छा महसूस होगा। ये सारी घटनाएं आपको मजबूत बनाने के लिए है। अपने संपर्कों का दायरा और अधिक विस्तृत करें, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। महत्वपूर्ण तथा अनुभवी व्यक्ति लोगों के साथ भी उत्तम समय व्यतीत होगा। इसका सकारात्मक प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर भी पड़ेगा। घर में मेहमानों के आगमन से उत्सव भरा माहौल रहेगा। काफी दिनों से जो मानसिक तकलीफ आपको सता रही थी वह दूर होने लगेगी। स्वास्थ्य में भी सकारात्मक बदलाव नजर आएगा। मन की प्रसन्नता रहने की वजह से खुद के प्रति और अपने जीवन के प्रति सकारात्मकता बढ़ेगी, जिसके द्वारा आप जीवन को बेहतरीन बनाने की कोशिश करते रहेंगे। काम संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए इच्छा शक्ति प्रबल रहेगी। रिलेशनशिप संबंधी हो रही तकलीफों को समझने के लिए आपके प्रयत्न जारी रखें। शरीर में बढ़ती चर्बी को कम करने के लिए सात्विक आहार की जरूरत होगी। पुराने पर्चे से मिलने का अवसर मिल सकता है। अधिकारियों की नाराजगी से बचें, कुछ प्रतिकूल रहेगा, धैर्य रखें, यह मात्र तात्कालिक भ्रम है। सावधानियां। अपरिचित लोगों से व्यवहार करते समय अपने गतिविधियों को उनके समक्ष जाहिर ना करें, अन्यथा आपका नुकसान हो सकता है। कभी कभी स्वभाव में तनाव और चिड़चिड़ापन आपको अपने लक्ष्य से भटका भी सकता है। बात करते हैं लव लाइफ की। विवाहित जीवन मधुर रहेगा। युवा वर्ग की विपरीत लिंगी मित्रों से दोस्ती अप्रेम संबंधों में बदल सकती है। आज माहौल में ही रोमांस बिखरा हुआ है। आप बहुत सारे मनोरंजक और मजेदार आदमियों के संपर्क में आएंगे और इनमें से किसी एक के साथ मुलाकात सार्थक साबित हो सकती है। जिनका संबंध पहले से बना हुआ है वे अपने पुराने संबंध में अंतरंग डिनर या पिकनिक पर जाकर एक नई जान फूंक पाएंगे। आपका पार्टनर पिछले कई दिनों से कुछ खींचा खींचा सा है, लेकिन आज स्थिति में सुधार होगा। बात करते हैं करियर की। आज अपने आप पर संदेह कर सकते हैं और अपनी खुद की क्षमता को नजरअंदाज कर सकते हैं। यह सब आपके असुरक्षित व्यवहार की वजह से है, जिसे आपको नियंत्रित करना होगा। एक गहरे स्तर पर दोस्तों के साथ संदेशों का आदान प्रदान करने का प्रयास करें। इसे न केवल आप उन लोगों के साथ बेहतर संबंध बना सकेंगे बल्कि आप कार्य प्रणाली को भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और आपको अपनी बहुमूल्य स्थिति के बारे में भी जानने में मदद मिलेगी।
व्यवसाय में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह भी अवश्य लें। किसी पर अधिक विश्वास ना करें। बेहतर होगा कि अपनी उपस्थिति में सभी काम पूरे करवाएं। विद्यार्थियों को किसी विभागीय परीक्षा में मनोनुकूल परिणाम मिलेंगे। बात करते हैं सेहत की। सुस्ती और थकान हावी रहेंगे तथा काम को करने में मन नहीं लगेगा। मेडिटेशन और ध्यान रखना आपको मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखेगा। यह समय कुछ जबरदस्त शारीरिक मेहनत वाली गतिविधि करने का भी है। वजन उठाना एक अच्छा विकल्प भी हो सकता है। अगर आप किसी कार्यक्रम या ट्रेनिंग कार्यक्रम के बारे में शामिल होने के बारे में निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो निश्चिंत होकर शामिल हो जाएं। आज का उपाय, आज अब गरीबों को तांबे का दान करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।